ये एकमात्र ऐसी बस है जिसका बस रूट 16,000 किलोमीटर से अधिक था, जिसे दुनिया का सबसे लंबा बस रूट माना जाता है। 60 के दशक के उत्तरार्ध में कोलकाता और लंदन के बीच एक विशेष बस थी जिसे अल्बर्ट के नाम से जाना जाता था, जो इतिहास का सबसे लंबा बस रूट था। ये डबल डेकर बस देखने में जितना ही शानदार थी उतना ही विलासी थी। आइए जानते हैं इस ऐतिहासिक बस और बस रूट के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू रूट फैक्ट्स हिंदी। इस वीडियो में छिपे दो सवालों के जवाब दे और सैमसंग गैलेक्सी M31S जीतने का मौका पाए। गिवअवे का रूल्स जानने के लिए प्लीज पूरा वीडियो देखें। इतिहास को कभी ढका नहीं जा सकता। समय बीतने के साथ ये कुछ उल्लेखनीय घटनाओं के रूप में युगों में वापस आते हैं। उसी प्रकार इतिहास के पन्नों पे एक उल्लेखनीय घटना है एक बस जिसका नाम है अल्बर्ट। वे दूर के लंदन से कोलकाता आते थे, जिसे सबसे लंबे बस रूट के रूप में जाना जाता है। अल्बर्ट सिर्फ लंदन और कोलकाता के बीच में चलते थे, ऐसा नहीं। कोलकाता से अल्बर्ट ऑस्ट्रेलिया के सिडनी तक पहुंच गया था। अल्बर्ट के पास कोलकाता और लंदन के बीच 15 यात्रों का रिकॉर्ड है और लंदन से सिडनी तक 4 यात्रों का रिकॉर्ड है। कोलकाता से अल्बर्ट कौन से रास्ते से आते थे? लंदन से शुरू करते हुए वे पहले बेल्जियम प्रवेश करते थे, वहां से पश्चिम जर्मनी होकर बस का अगला गंतव्य था ऑस्ट्रिया का वियना, फिर एक एक करके यूगोस्लाविया, बुल्गेरिया, टर्की होकर अल्बर्ट प्रवेश करते थे ईरान में, वहां से अफगानिस्तान के माध्यम से पश्चिम पाकिस्तान होकर भारत में प्रवेश करते थे अल्बर्ट। भारत में प्रवेश करने के बाद अल्बर्ट का पहला पड़ाव दिल्ली था, उसके बाद आगरा, फिर इलाहाबाद और बनारस। अंत में अल्बर्ट कोलकाता में पहुंचने के बाद रुकते थे। सेंट्रल वेस्टर्न डेली के रिपोर्ट के अनुसार 21 साल की लंबी सेवा के बाद एक बस को ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्घटना का सामना करना पड़ा। उसके बाद यह यात्रियों द्वारा उपयोग करने में सक्षम नहीं था। एंडी स्टुअर्ट नामक एक ब्रिटिश व्यक्ति जो घर लौटने का रास्ता खोज रहा था, उसने 1968 साल के मई महीने में उस बस को खरीदा और बस के पूरे इंटीरियर को बदल दिया। एंडी ने वास्तव में इस बस को चल रहे लक्जरी घर का आकार दिया। उनका इरादा सिडनी से लंदन में अपने घर बस से पहुंचने का था। वह रूट के लिए सोचे थे सिडनी से कोलकाता और फिर सीधे लंदन। बस के अंदर काफी विलासिता थी। लंबे समय तक बैठने से बोरिंग ना लगे, इस कारण आधुनिक लंबी कैरावन स्टाइल सीट के बगल में साइट सीइंग देखने के लिए बड़ी खिड़कियां थी। बस के अंदर चलने फिरने के लिए अच्छी व्यवस्था थी। सिर्फ यही नहीं, किताबें पढ़ने के लिए एक जगह और खाने के लिए एक बड़ा डाइनिंग रूम थी। इन सभी खर्चों बस टिकट किराया में शामिल था। मनोरंजन के लिए भारी इंतजाम थे, रेडियो और संगीत की भी व्यवस्था थी। शरीर को गर्म और ठंडा रखने के लिए बस में पंखे और हीटर थे। ये डबल डेकर बस देखने में जितना ही अच्छी थी और इसका किराया उतना कम नहीं था। इस ऐतिहासिक बस रूट का किराया भारतीय मुद्रा में 7,889 रुपया था, जो पाउंड में 85 था। सिडनी के रास्ते से कोलकाता होकर लंदन की दूरी 16,000 किलोमीटर से थोड़ी ज्यादा थी। हाईरोड ऑफ ऑजी नामक एक ऑस्ट्रेलियन न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि बस 6 अक्टूबर 1968 को सिडनी में मार्टिन प्लेस जीपीओ के सामने से अपना यात्रा शुरू की। 132 दिन बाद जब अल्बर्ट ने कोलकाता होकर लंदन में पहली बार पैर रखा तो तारीख 18 फरवरी 1969 थी। हाईरोड ऑफ ऑजी के अनुसार बस संख्या 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए यात्रा लंदन से सिडनी तक थी और हॉल्ट बस स्टॉप कोलकाता में था। दावे के मुताबिक बस नंबर 12, 13, 14 और 15 को लंदन से कोलकाता के बीच चलाया गया था। कोलकाता से लंदन की यात्रा करने के लिए 49 दिन लगते थे। 15 जुलाई 1972 को अल्बर्ट ने कोलकाता के लिए यात्रा शुरू किया और जब अल्बर्ट कोलकाता में रुके तो तारीख 11 सितंबर 1972 थी। अल्बर्ट ने अपनी यात्रा में
150 सीमा को पार किया था, लेकिन इसे लेके सीमा रक्षकों के बीच कभी कोई विवाद नहीं हुआ। इसके बजाय अल्बर्ट ने इतिहास के सबसे लंबे बस रूट की सूची में अपना नाम सोने के अक्षरों में लिख दिया। आप में से कई लोग चाहते होंगे कि काश उन्हें अल्बर्ट पर ट्रैवल करने का मौका मिलता। आपकी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। अल्बर्ट की तरह का एक वेंचर जल्द ही शुरू होने वाला है, एडवेंचर्स ओवरलैंड। एक अभियान कंपनी ने फिर से दुनिया में सबसे एपिक बस जर्नी की घोषणा की है, जो 2021 में शुरू होने जा रहा है। ये भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच बस सेवा है। कंपनी के अनुसार 18 देश की रोड ट्रिप 70 दिनों में 20,000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। ये जर्नी दिल्ली से शुरू होगी, जो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, रशिया, लाटविया, लिथुनिया, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, जर्मनी जैसे देशों के माध्यम से ट्रैवलर्स को ले जाएगा, जो 4 कैटेगरीज में डिवाइडेड होगा और पैसेंजर्स डिफरेंट डेस्टिनेशन चुन सकते हैं। उनकी पसंद के अनुसार जर्नी की कॉस्ट कैलकुलेट की जाएगी। दिल्ली से लंदन तक की पूरी ट्रिप में 15,00,000 रुपया पर पर्सन खर्च होंगे। ये 15 अगस्त को अनाउंस किया गया था और उम्मीद है कि मई 2021 में लंदन के लिए पहली बस को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अगर आपको ऐसी कुछ अनोखी घटना मालूम है तो हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। प्लीज हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें @RootFactsHindi। अगर आप गिवअवे में भाग लेना चाहते हैं तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना होगा। 1 महीने के बाद गिवअवे का विनर का नाम घोषणा की जाएगी, इसलिए अधिक से अधिक वीडियो देखें और जीतने का मौका बढ़ाने के लिए सभी वीडियोस का उत्तर दें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग रूट फैक्ट्स हिंदी।